एक्सटोन अगरबत्ती। गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल ने लहराया तिरंगा। शाह ने गुजरात की जनता से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। सबको मैं कहना चाहता हूं, तिरंगा ऊंचा कर तिरंगा उठाकर सभी लोग वंदे मातरम बोलकर तिरंगा को फहराएंगे। बीजेपी मनाएगी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जेपी नड्डा जंतर मंतर पर होने वाले मौन जुलूस में शामिल होंगे। पूरे देश में आजादी के जश्न की तैयारियां। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को देंगी संदेश। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पूजा अर्चना। बीजेपी के विधायक और सांसदों के साथ भी की मीटिंग। बंगाल की ममता सरकार पर बोला हमला। जिस बंगाल ने देश को दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया है। हरियाणा के पलवल में 6 घंटे तक चली हिंदू महापंचायत ब्रिज मंडल की अधूरी यात्रा को पूरा करने का फैसला। 28 अगस्त को निकाली जाएगी यात्रा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की शांति की अपील। किसी समाज के दूसरे समाज के खिलाफ कोई बात करना उचित नहीं है, ये अपील मैंने की है। महाराष्ट्र के ठाणे में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। पिछले 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत। मरने वालों में 13 मरीज आईसीयू में थे भर्ती। शिवसेना और मनसे कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर किया हंगामा। सीएम शिंदे ने दिए जांच के आदेश। पाकिस्तान के ग्वादर में आतंकी हमला। 4 चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी फौज के 9 जवान समेत 13 लोगों की मौत। हमले में 2 फिदायीन आतंकियों के शामिल होने का भी दावा। हिमाचल में भारी बारिश के बाद फिर बाढ़ का कहर। मंडी और शिमला में सबसे ज्यादा तबाही। मंडी चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बाढ़ के पानी में डूबा। लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ शिमला हाईवे बंद। हिमाचल में सभी स्कूल बंद रखने के आदेश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 20 लाख के नामी आतंकी के परिवार वालों ने घर पर फहराया तिरंगा। आतंकी मुदस्सिर की मां ने बेटे से की सरेंडर करने की अपील। स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग बिरंगी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, खुद को बताया भारतीय। पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कड़ी की गई दिल्ली में सुरक्षा। लाल किले से कर्तव्य पथ तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शूटर साबिर को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया। साबिर के घर पर भी चस्पा किया नोटिस। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी हो चुके हैं भगोड़ा घोषित। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।